हेलो एवरीवन, आज जो मैं आप सबके लिए हायरिंग लेके आया हूँ वो मैं जेप्टो के लिए लेके आया हूँ। जेप्टो ई कॉमर्स कंपनी है, वेयर हाउसिंग है, अनलिमिटेड होंगे अभी मेरे पास, हायरिंग कंटिन्यू है, अभी दिवाली तक तो ही कंटिन्यू है मेरे पास। मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर सैलरी की बात करें सर, तो टीम लीडर की प्रोफाइल पे लगभग कितनी सैलरी? ऐसा भी होता है कि बोनस मिलता है, ओवर टाइम वगैरह मिलता है, तो ये सारी फैसिलिटीज? बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा? इंटरव्यू का सर टाइमिंग क्या रहेगा? बच्चे कितने बजे से कितने बजे? जैसे बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, काफी सारी लोकेशन से देख रहे हैं, तो बच्चा अगर अप्लाई करना चाहेगा तो कैसे अप्लाई करेगा? कोई फीस, कोई चार्ज? दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन में। नवीन सर को आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हम इनके साथ ऑलरेडी लेकर के आ चुके हैं, और आज जो वीडियो हम इन सर के साथ लेकर के आए हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी हायरिंग्स आई हैं और बहुत सारी रिक्रूटमेंट सर यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सर के ज़रिए पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी सर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ये कौन सी कंपनी में है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको कितना मिलने वाला है, सैलरी के साथ साथ क्या और बेनिफिट कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी सर के ही ज़रिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सर, जैसे कि सर आपको तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं हमारे चैनल पर, और काफी सारी वीडियोस हम पहले भी आपके साथ लेकर के आए हैं, तो इस बार जो आप हायरिंग लेकर के आए हैं, सबसे पहले बताइए ये कौन सी कंपनी में है और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, आज जो मैं आप सबके लिए हायरिंग लेकर आया हूँ वो मैं जेप्टो के लिए लेकर आया हूँ। जेप्टो ई कॉमर्स कंपनी है, वेयर हाउसिंग है। आज की हायरिंग जेप्टो के लिए नोएडा के लिए है। okay. जी, तो नोएडा में सर कौन कौन सी लोकेशंस पर ये वैकेंसी है? नोएडा में मेरे पास पैन नोएडा है, नोएडा में आपका नोएडा क्रॉसिंग, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सारी लोकेशन आती है मेरे पास में। okay. लगभग सर कितने नंबर्स में हायरिंग होगी? नंबर्स अनलिमिटेड होंगे अभी मेरे पास, हायरिंग कंटिन्यू है। जी, कंटिन्यू कब तक चलेगी लगभग? अभी दिवाली तक तो ही कंटिन्यू है मेरे पास, उसके बाद जैसे जो होगा वो अपडेट दिया जाएगा आगे के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें सर, तो कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अभी मेरे पास नॉर्मल 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन सभी के लिए वैकेंसी है। जो 10th 12th है उनके लिए पिकर पैकर है, जो उससे हायर है उनके लिए SI और मतलब स्टोर इंचार्ज टाइप वैकेंसी है। अच्छा, तो काम मतलब पिकर पैकर में क्या करना होगा, और जो 10th 12th वाली वैकेंसी है उनमें क्या काम करना होगा ये भी बता। जो 10th 12th की वो पिकर पैकर की वैकेंसी है उसमें वेयर हाउस के अंदर काम करना है, मतलब पिकिंग, स्कैनिंग, पुट अवे, ये सारे काम करने हैं। और जो हायर एजुकेशन है उसमें आप TL लेवल का वर्क करते हैं। जी, तो TL में मतलब मैनेज करना होगा? हाँ, या टीम को मैनेज करना होता है इसमें। जी, तो दोनों में ही सर बच्चा 10th 12th बेसिकली रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ और भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि बच्चे के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि इनको रीड करना आना चाहिए या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऐसी सच? बिल्कुल जी, कम से कम 10th पास होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर हर प्रोडक्ट का नाम इंग्लिश में होता है। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो काम क्या करेगा अंदर, तो कम से कम इंग्लिश पढ़ना तो आना ही चाहिए बच्चे को। जी, अगर सैलरी की बात करें सर, तो टीम लीडर की प्रोफाइल पे लगभग कितनी सैलरी होगी? हम टीम लीडर पे अभी 21K मतलब 21,000 इन हैंड सैलरी दे रहे हैं, जो ESIPF कार्ड के सैलरी बनती है। अच्छा जी, तो कितने घंटे की शिफ्ट में मिलेगी ये? 9 आवर की शिफ्ट होती है जिसमें 8.5 आवर वर्किंग होता है। जी, और आधा घंटा ब्रेक? आधा घंटा ब्रेक के लिए मिलता है। इसके अलावा ओवर टाइम वगैरह भी? हाँ, ओवर टाइम इंसेंटिव है, वो सारे फिगर अलग है। इसमें काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है आप सबकी, वो आपके काम पे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, और सर जैसे कि ऐसा भी होता है कि बोनस मिलता है, ओवर टाइम वगैरह मिलता है, तो ये सारी फैसिलिटीज? बिल्कुल जी, यहाँ पे ओवर टाइम है, ओवर टाइम 120 रुपये का अप्रॉक्सी रहता है, पर आवर का रेट है। अब जैसी वेयर हाउस के अंदर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, आप उसमें एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, लगभग फिर भी कितना बच्चे कमा के लेके जाते होंगे सर? अब मेरे पास आप यकीन नहीं करेंगे, पिकर पैकर पे भी बच्चा 25 से 30 हज़ार सैलरी डाल सकता है, लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप टीम लीडर में तो ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। जी ठीक है सर, तो ये मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए? हाँ जी, ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है सर, कब तक बच्चे की ड्यू डेट बता सकते? जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिवाली तक तो ये वैकेंसी कंटिन्यू है, उसके बाद जो कुछ होगा उसके लिए नेक्स्ट अपडेट हम देंगे आपको। जी, इंटरव्यू का सर टाइमिंग क्या रहेगा, बच्चे कितने बजे से कितने बजे? नॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, वेयर हाउस पे इंटरव्यू होंगे 10 से 2 के बीच में इंटरव्यू होते हैं, 10 सुबह 10 बजे, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के लिए। जी, और इंटरव्यूज में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पिकर पैकर के लिए तो नॉर्मली क्वेश्चन है, अगर आप वेयर हाउस इंचार्ज या TL के लिए आ रहे हैं तो आपको उसे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। जी, तो नॉर्मल बेसिक ही क्वेश्चंस रहते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल बेसिक, नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, कोई बच्चा अगर जैसे आज वीडियो देख रहा है और अप्लाई भी कर देता है, लगभग कितने दिन में सिलेक्शन हो जाएगा?
जैसे अगर आज बच्चा वीडियो देख रहा है, अप्लाई कर रहा है, मेरे पास जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए आएगा, अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट है तो नेक्स्ट डे से उसकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डे से ही जी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में नॉर्मल बच्चे का रिज्यूम चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ये सब चाहिए होता है। सारी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस एकदम सिंपल होगा सर सिलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। कोई फीस, कोई चार्जेस वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, काफी सारी लोकेशन से देख रहे हैं, तो बच्चा अगर अप्लाई करना चाहेगा तो कैसे अप्लाई करे? हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक देंगे, आप उस पर अपना गूगल फॉर्म फिल कीजिए तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, देन आपको इंटरव्यू के लिए अलाइन करेगी। तो गाइज इस बार सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रहे, क्या रीजन हो सकता है सर? रीजन कुछ नहीं है, बस बच्चे बे टाइम कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं, परेशान कर देते हैं। तो इस बार आप उनको गूगल फॉर्म दे रहे हैं? हाँ, जो एलिजिबल है, जो गूगल फॉर्म भरना जानता है, वो इंटरव्यू में पास होना भी जानता है और जॉब भी पानी जानता है, तो बस गूगल फॉर्म फिल कीजिए और आइए हमारे पास। सो गाइस सर से जो गूगल फॉर्म है मैंने ले लिया है और सारी डिटेल्स भी सर आप मेरे साथ शेयर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर देती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट है jobnow247.in के नाम से, तो आप सिंपली गूगल पर टाइप कीजिए www.jobnow247.in, सर की फोटो के साथ ये जॉब अपॉर्चुनिटी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन अप होकर के आ जाएगी। एक एक चीज यहाँ पर दी गई है कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या काम आपको करना है, सैलरी एग्जैक्टली कितनी दी जा रही है, सब कुछ आप रीड कीजिए और अप्लाई नाउ का जो बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसको फिल कीजिए। लोकेशन सर आपके पास नोएडा, गुड़गांव और क्या क्या है एक बार फिर से? और बिल्कुल मेरे पास लोकेशन में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सभी लोकेशंस हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए ही आपको संपर्क? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में काम करना चाहते हैं वही लोग जो है फॉर्म भरे और वही लोग अप्लाई करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर के आने वाली हूं आने वाले टाइम में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।